दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चूज़ों को किस तरह पालते हैं हम, और उसमें आपको एक ज़रूरी और बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप चूज़े पाल सकते हैं। दोस्तों, अंडों से जब ये नए नए चूज़े बाहर आते हैं तो 24 घंटे तक आपने इन्हें कुछ भी नहीं देना। 24 घंटे के बाद जो है आपने गुड़ का पानी में बना के इनके आगे रख देना है, या फिर जो है अगर घर में चीनी है तो उसे ही पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके आप इनके पास रख दें। तो ये 24 घंटे के बाद ये पानी पियेंगे तो इनके अंदर जो जरासीम होता है, इनके पेट के अंदर अंडों से जब ये निकले होते हैं, अंडों इनके पेट में जो जरासीम होता है ना, वो बाहर निकल आता है। जैसे ही ये पानी पीते हैं उसी वक्त जो है ना, ये गंद कचरा सब इनके पेट के अंदर से बाहर निकल आता है। तो ये काम आप ज़रूर किया करें, अगर ये नहीं करेंगे तो ये जो है अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेंगे और बीमारियों का शिकार होकर मर जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये गुड़ वाला पानी, ये मीठा पानी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। चीज़ों को पानी देने के लिए आपको कैन लेना होगा इस तरह का, आपको जो नज़र आ रहा है। इसमें फिर आपको कम से कम 1 से 2 चम्मच का जो है मल्टीविटामिन का सिरप ऐड करना होगा, और इस तरह चूज़ों के आगे रख देना होगा। तो चूज़ों की जो अम्मी है, मुर्गी है, वो भी पानी पीती रहेगी इस तरह से, और चूज़े भी यहाँ से पानी पियेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि चूज़ों के ग्रोथ में जो है ना तेज़ी आएगी और फास्ट ग्रो करेंगे चिक्स, और बहुत हेल्दी होंगे। इससे ये भी होता है कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफियत है वायरस और दूसरी बीमारियों से लड़ने के लिए, वो बढ़ता है। तो इससे जो है ना चूज़े जो है ना फिट रहते हैं। चूज़ों की खुराक के लिए जो है ना आपको जो है कम से कम 4 नंबर या सिर्फ 0 नंबर का जो फीड है वो आपको देना होगा। इस तरह की बास्केट के अंदर आपने डालना होगा। तो इसमें जो है कॉर्न, मकई और दूसरे कैल्शियम वाइटामिन मिक्स हुए होते हैं, ये बाज़ार से आपको बासानी मिल जाता है। तो इससे जो है इनके ग्रोथ में इजाफा होता है, फास्ट फास्ट बहुत तेज़ तरीके से ये बड़े होते हैं और फिट रहते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि आप जब मुर्गा मुर्गी या ये चूज़े और ये मुर्गियां आप इस तरह बाहर छोड़ते हैं तो कोशिश करें उधर पानी 24/7 मौजूद हो। जिस तरह ये मैंने आपको नज़र आ रहा है, इसमें पानी भर के रखा हुआ, तो वो भी मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए। इससे ये कि गर्मियों में पानी जो है ना ठंडा रहेगा मिट्टी के बर्तन में, तो इससे ये कि इनको प्यास भी नहीं लगेगी। और ये जो है यहाँ खाते पीते फिर इनको प्यास लग जाती है, तो पानी इनको चाहिए होता है, तो ये पानी आराम से पी सकते हैं। दोस्तों, आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो मुर्गी हैं और ये जो चूज़े हैं, इनको मिट्टी में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जब भी आप बाहर छोड़ते हैं तो इनको थोड़ी देर के लिए मिट्टी में भी छोड़ दिया करें। इससे ये होता है कि ये जो है, जिस तरह इंसान है वो पानी से नहाते हैं, हम लोग पानी के साथ नहाते हैं, इस तरह ये मिट्टी में नहाते हैं। अपने जो इनके जिस्म पे जो कीड़े मकोड़े चिपके हुए होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, ये जो खून चूसने वाले छोटे कीड़े इनके परों में छुपे होते हैं, तो ये सब बाहर निकल आते हैं। इनको इनसे छुटकारा पाने के लिए ये जो है मिट्टी में अपने आप को साफ करते हैं। तो मिट्टी में इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, और इसमें ये कि इनको थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े खाने का मौका मिल जाता है, जो प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा जो है सोर्स होता है। और ये होता है कि इसमें मिट्टी में ये नहा भी लेते हैं, एक तरह से मिट्टी में खेलते कूदते स्क्रैच करते हैं, और इनकी फितरत में ये होता है कि स्क्रैच करते हैं ये। तो ये मिट्टी में जब तक स्क्रैच ना ना करें तो इनको सुकून नहीं मिलता ये। दोस्तों, एक और पॉइंट ये है कि आप जब भी ये चूज़े मुर्गियां आप बाहर छोड़ते हैं तो आप ख़ुद भी इनके पास बैठा करें, क्योंकि इनके आसपास सारे शिकारी जानवर और परिंदे मौजूद होते हैं। तो जब भी आप छोड़ते हैं चूज़े तो इनके पास रहा करें, और क्योंकि ऊपर से परिंदे, चील हो गया या फिर ये बिल्ली हो गई, और ख़ास तौर पे जो चील होते हैं आसमान पे, ये बहुत तेज़ होते हैं, तो ये देर नहीं करते। अगर आप इनके पास मौजूद नहीं होंगे चूज़ों के पास, तो ये चील जैसे ये बड़े परिंदे शिकारी, ये देर नहीं करते ऐसे चूज़े के शिकार करने में, ये उठा के भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं ये। तो इनसे बहुत ख़तरा रहता है चूज़ों को, और आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे इस तरह से। तो जो है ये चील और ये बिल्लियाँ जो है ना आपसे ले जाएंगे चूज़े।